हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ब्रेड चीज़ पिज़्ज़ा, बच्चों का फेवरेट। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक व सब्सक्राइब प्रेस बेल आइकन कर दीजिएगा। आज हम बनाने वाले हैं ओटीजी में, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिए हमने चॉप्ड अनियन, टमाटो और जो भी आपके पास वेजिटेबल हो आप वो ले सकते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हमने ब्रेड पे लगाया पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से स्प्रेड करेंगे, चारों तरफ करेंगे। चारों ब्रेड पे लगाने के बाद पिज़्ज़ा चीज़ सॉस जो होता है वाइट कलर का, ये मेल्टेड होता है और चीज़ की तरह फैल जाता है। तो फ्रेंड्स उसी के ऊपर हमने ब्रेड रखी है जिससे कि अंदर अच्छे से चीज़ स्प्रेड हो जाए, और उसी तरीके से हमने सारे ब्रेड्स को कवर करते हुए दूसरा ब्रेड रख दिया। उस पर भी हमने पिज़्ज़ा सॉस की टॉपिंग की। उसके बाद हमने थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ हमने इस पर डाला है। उससे पहले हमने डालना था पिज़्ज़ा सॉस, पर मैंने इस पर थोड़ा सा चीज़ डाल दिया, उसके बाद पिज़्ज़ा सॉस डाला है एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर कि भाई अच्छे सा चीज़ कैसे शो होता है। तो फ्रेंड्स अब उसके बाद मैंने सारा चीज़ मेल्टेड वाला इस पर डाल दिया है और चारों तरफ से इसको फैला दिया है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से हमने इसको फैलाना है, बिल्कुल चारों तरफ से फैला देंगे, ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम इसको ओटीजी में बेक्ड करेंगे तो ये चीज़ मेल्ट होके फैल जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉसी वाली चीज़ है जो चारों तरफ फैलने वाली है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा मैंने इसलिए फैला दिया क्योंकि वो एक जगह पे रखी हुई थी, तो उसको थोड़ा सा फैला दिया। अब जब इसको बेक करेंगे तो ये चारों तरफ फूल जाएगी। अब उसके बाद हम इसी के ऊपर मोज़रेला चीज़, हमने मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाती है, उसके बाद हमने कद्दूकस करके इसके ऊपर स्प्रेड कर दी है, चारों तरफ से इसकी टॉपिंग कर दी है पिज़्ज़ा चीज़ की। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद जो वेजिटेबल हमने कट करके रखी थी, जैसे कि मैंने टमाटो लिया, अनियन लिया और एलपेनो लिया, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने टमाटो को बारीक चॉप्ड करके जो भी स्लाइस आप करना चाहें जिस भी शेप में कर सकते हैं, और चारों तरफ से फैला दिया, मतलब फुल नहीं भरना, थोड़ा सा गैप रख के चारों तरफ कवर कर देंगे। अब इसी के बाद हमने लिए ऑनियन। ऑनियन लेने के बाद हम उसको भी चारों तरफ से कवर करते हुए इसी में डेकोरेट करके रखना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम एक एक करके सभी लगा देंगे चारों तरफ से। डबल लेयर ब्रेड पिज़्ज़ा हमारा बहुत ही चीज़ी बनने वाला है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कोशिश की है आपको बताने की। अब मैं ऑनियन सभी चारों पिज़्ज़ास पे लगा चुकी हूँ, और ये फ्रेंड्स जंबो ब्रेड होती है उसके ऊपर बनाया हुआ है। अब उसके बाद हम अगेन मोज़रेला चीज़ जो ग्रेटेड करके रखी हुई है उसको चारों तरफ से कवर करते हुए फैलाते हुए हम पूरे ब्रेड पर लगा देंगे, जिससे कि फुल चीज़ हमारे ब्रेड में रहे और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आए। तो मार्केट में मिलने वाला पिज़्ज़ा और एक घर में बनाने वाली ब्रेड पिज़्ज़ा ज़्यादा टेस्ट में डिफरेंट नहीं होता, और एक अपने घर का थोड़ा सा अपना ये रहता है कि सेफ्टी होती है। तो फ्रेंड्स अब इसी के देखते हुए हमने चारों तरफ से इसको कवर कर लिया, और सभी चारों पिज़्ज़ास को हम कवर करते हुए मोज़रेला चीज़ से चारों तरफ फैला देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो सीजनिंग होती है वैसे घर में अवेलेबल हो जाती है, जैसे हम मार्केट के पिज़्ज़ा वगैरह मंगाते हैं तो सीजनिंग के पैकेट्स बच जाते हैं, तो मैंने तो फ्रेंड्स वही काम में ली है। और इसमें चिली फ्लेक्स, सबसे पहले हमने एलपेनो लगाना है। एलपेनो ज़्यादा यूज़ नहीं किया, एक ब्रेड पर हम 4 एलपेनो लगाए हैं, और एलपेनो क्या थोड़ा खट्टा भी होता है, थोड़ा तीखा भी टेस्ट होता है, तो इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है। अब मैं ओटीसी में रखने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं इसके जो टाइमर है हम आपके सामने शो करेंगे, इसको रख देते हैं पहले अच्छे से सेट करके। अब हम ओटीसी बंद कर देते हैं, अब टाइमर भर देते हैं। टाइमर भरने के लिए हम करेंगे इसको 240 तक इसका टेम्परेचर रखेंगे, और उसके बाद हम 10-12 या 15 मिनट रखेंगे। तो और उसके बाद आप देख सकते हैं 15 मिनट के बाद क्या चीज़ फैल कर आई है। आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट ओटीसी के अंदर अच्छे खासी चीज़ फैल रही है, मेल्ट हो चुकी है और सारी वेजिटेबल उसमें कवर हो गई है।
और दिखने में बहुत ही टेस्टी और यम्मी लग रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो कितना प्यारा हमारा चीज़ पिज़्ज़ा ब्रेड बनकर रेडी हुआ है। ये बच्चों के और बड़े सभी इसको इंजॉय कर सकते हैं। आपको हमारा अगर चीज़ ब्रेड पिज़्ज़ा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ वह भी बताएं, जिससे कि हम उसका कवर कर सकें और आप नेक्स्ट रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकें। फ्रेंड्स देखिए कितना मेल्ट हुआ है चीज़, बहुत ही चीज़ी पिज़्ज़ा बना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।